हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गोटू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज ये ब्रेकिंग न्यूज़, कल ही हम लोगों को पता लगा था कि ये डी ट्रिपल एस पेपर केस हो गया है और किसी ठीक है केस हो गया जिसकी आज हियरिंग थी 4 दिसंबर 2018 को। ठीक है, ये पहली सुनवाई थी, इसी वजह से आपके रिजल्ट में भी डिले हो रहा है। जहाँ हम कह रहे थे कि दिवाली तक या 10 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं, तो वो संभावनाएं अब कुछ कम दिखाई दे रही हैं क्योंकि डी ट्रिपल एस बी पर केस हो चुका है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की मोर अपडेट्स के लिए। अब बात करते हैं कि केस किस विषय में हुआ है। केस जिस आधार पर बच्चों ने रखा है वो आधार बहुत टिपिकल नहीं कह सकते, उसको बहुत ठोस नहीं कह सकते, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात केस की, हमने पहले भी जिक्र किया था अपनी वीडियो में, बच्चों ने इशू रखा है रिपीटेड क्वेश्चंस का, तो यहाँ पर उनके पास जवाब है साफ साफ कि डी ट्रिपल एस बी ने नोटिस भी जारी किया था कि रिपीटेड क्वेश्चंस पर हम कार्यवाही करेंगे और रिपीटेड क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया जाएगा। सेकेंड जो इन्होंने अपना मुद्दा बनाया वो NIOS के नोट्स कि जिनका 30 को था उनके पास नहीं मिल पाया कुछ भी पैटर्न या सिलेबस उस तरह का, जबकि आगे जो एग्ज़ाम्स हुए 13, 14 और 28 को उन लोगों को सिलेबस का पता लग गया था। तो देखते हैं अब इस विषय पर डी ट्रिपल एस बी अपने पक्ष में क्या रखेगी। ठीक है, ये पक्ष इसलिए क्योंकि आज नोटिस जारी कर दिया गया है डी ट्रिपल एस बी को। ठीक है, और अगली तारीख में जो अगली तारीख दी गई है, अभी तारीख का पता नहीं लग पाया है कब है, बट जैसे ही हमें पता लगेगा कि अगली तारीख क्या रहेगी डी ट्रिपल एस बी उसमें अपना पक्ष रखेगी और हम आपको ज़रूर बताएंगे कि अगली तारीख कौन सी है। ठीक है, और कब डी ट्रिपल एस बी को वहां पर अपना पक्ष रखना है या हाजिर होना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और यही वजह है कि आपका जो डी ट्रिपल एस बी का है वो रिज़ल्ट डिले हो सकता है। डी ट्रिपल एस बी जिस तरह से फंसती जा रही है केसों में, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन पर भी केस है, वो फिर चाहे आपका TZT लेवल पर है चाहे वो आपका PRT लेवल पर है। ओके, उससे पहले JBT या कहीं डाइट के बेस पर PRT जो नॉर्मल है उस पर भी काफ़ी केस झेल चुकी है, और जो हरकतें डी ट्रिपल एस बी बार बार कर रही है इससे तो यही होना चाहिए कि इस बोर्ड को चेंज कर देना चाहिए। जैसे कि UGC नेट के लिए CBSE के NTE कर दिया है। ठीक है, वो तो एक अलग वजह थी कि भाई इसके पास वर्कलोड ज़्यादा था तो लेट प्रोसेसिंग चलती थी इसलिए NTE को ये चीज़ सौंपी गई। उसके अलावा जैसे कि SSC के एग्ज़ाम्स के लिए पहले एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता था बोर्ड उसको भी चेंज कर दिया गया है ना। तो इस तरह से डी ट्रिपल एस बी के भी मेरे ख्याल से चेंज कर देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय में, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह की मोर अपडेट्स के लिए। बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन, इस तरह का बेल आइकन आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पहले, तो आप को वो बेल दबानी है ताकि न्यू जो हम अपलोड करते हैं वीडियो उसकी अपडेट आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट। और स्टडी मटेरियल के लिए जो कि आपका KVS CTET HTET से रिलेटेड है, साइकोलॉजी स्पेशली और अदर जैसे कि ICT है, थ्योरीज हैं आपकी, ब्लूम टैक्सोनॉमी वगैरह, तो उसके लिए आप मुझे Unacademy पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स अगेन।